पड़बिल में है, कल दिन में है, 2 बजे से गाड़ी हमारा यहाँ रोड पे खड़ा है। जब इसको फोन कर रहे हैं तो बोलता है कि वहीं खड़े रहो, अभी क्लियर नहीं हुआ कहाँ खाली होगा। तो सुबह में आया था तो हम पूछे कि भाई अगर खाली में लेट है तो आप गाड़ी कहीं साइड में लगा दो, तो बोलता है साइड में कहीं जगह नहीं है, यहीं पर रहो। एक उधर देखिए साइड में गाड़ी एक ठो ब्रेक डाउन हो गया। ये है नो एंट्री वाला जगह, हो सकता है कि पुलिस वाला आए चाहे कोई भी आए तो आपको फाइन भी मार सकता है। तो ऐसे माल लाइएगा डिपो का तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। और बड़ी गाड़ी है, बोल रहा है इसके अंदर कहीं घुसेगा, यहाँ से पैक करके अंदर में जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, आएगा तो पता चलेगा। लेबर भी इतना सुबह आएगा नहीं क्योंकि ठंडा काफ़ी पड़ रहा है। तो देखते हैं कब तक खाली होता है, और कभी भी लोड करेंगे तो पता कर लेंगे कि डिपो का माल तो नहीं है। डिपो का माल होगा तो नहीं लोड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। गाड़ी यहीं पर रोड पर खड़ा है, यही दिक्कत है। पुलिस वाला आया था, रोका यहीं पे, लेकिन हम यहाँ थे नहीं, उधर आगे थे, चाय पी रहे थे। अभी हम लोग गाड़ी खाली हो रहा है, देख रहे हैं 3 छली खाली हो गया है। टाइम हो रहा है लगभग 10:30। चिकन बनने जा रहा है दोस्तों, इसमें 2 से 3 सूखा मिर्ची डाल दिए हैं, थोड़ा सा जीरा डाल दिया हूँ, और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दे रहा हूँ। प्याज हमारा भुन गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन डाल दे रहे हैं, जो कुछ के रखे हैं इसमें। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का देख रहे हैं पेस्ट बना दिया हूँ, 4-5 हरी मिर्ची है, इसको भूनेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें गोश्त डाल देंगे, गोश्त डाल के भी भूनेंगे। आज बनाना है अलग ही स्टाइल में बनाना है। बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ मीट के साथ, मीट के ही जो पानी निकलेगा उसी पानी से ये पकेगा। आधा किलो 500 ग्राम है, आधा किलो गोश्त लिए हम, चिकन है, और ये रेडी हो गया हमारा। बस 2-3 मिनट और इसको भूनेंगे। इसमें डाल दिए, अब अच्छे से इसको भूनेंगे। जब तक ये पूरा इसका पानी सूख ना जाए तब तक भूनते रहेंगे, उसके बाद इसमें नमक थोड़ा ऐड करेंगे। देख सकते हैं पानी इसका सूख गया है और कलर भी चेंज हो गया है मीट का। अब क्या करेंगे, ये मसाला है, ये हमारा स्वाद अनुसार नमक हल्दी, और ये मीट मसाला है, और ये आपका गरम मसाला थोड़ा सा, बस यही मसाला हम डालेंगे इसमें। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसको घोलने के लिए, बस उतना ही पानी में हमारा मीट ये पकेगा। अभी मसाला डाल दिए हैं इसमें, अब देख रहे हैं पानी, अब ये मसाला भूनेंगे इसी में, तब तक ये पानी में मीट भी हो जाएगा आपका। मीट हमारा रेडी हो गया है, देख रहे हैं झोल, थोड़ा सा और इसको हल्का सुखाएंगे। वैसे तो सही है, देख सकते हैं कोई ज़्यादा तरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको और सुखाएंगे हल्का सा, जस्ट 1 मिनट तकरीबन इसको और पकाएंगे, हो गया हमारा मीट कंप्लीट है। मीट हमारा बन के रेडी हो गया, अब जा रहे हैं खाने के लिए। देख सकते हैं खूब बेहतरीन गल गया हमारा। अच्छा टेस्टी बना है, आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए, देख सकते हैं इतना बेहतरीन मीट बना हुआ है।